दोस्तों वेलकम टू चैनल स्किल इवेंट फैंटेसी। तो आज हम इस इवेंट डिस्कस करेंगे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप एशिया क्वालिफायर ए का जो मैच खेले जाएंगे मलेशिया वर्सेस मालदीव्स के बीच में, तो उसी के बारे में। कल सुबह 7 बजे मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों इस टूर्नामेंट के मैक्सिमम मैच कवर करने की, और आप लोग अगर पूरा वीडियो देखोगे ना तो स्मॉल लीग के साथ साथ आप लोग मिनी ग्रैंड लीग ग्रैंड लीग भी आराम से विन करके जाओगे, क्योंकि भाई इस टूर्नामेंट में ना बहुत सारे लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं है। और मैं आपको कुछ ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी के बारे में बताऊंगा जो आपके इस मैच में अच्छे खासा परफॉर्मेंस करते नजर आ जाएंगे। तो पहले तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको कल से CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग देखने को मिल जाएंगे और वो मैं पूरा टूर्नामेंट कवर करने वाला हूँ। तो आप लोग भाई बहुत ज़्यादा पैसा कमाओगे, बस आप लोग हमारे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। पहली बात तो भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल भी आपको फाइनल टीम प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों टीम की मैच विनिंग पेडेस को लेकर बात की जाए तो मालेशिया में भाई थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है एज कम्पेरिजन टू मालदीव्स, ठीक है। लेकिन मालदीव्स के पास भी यहाँ से 2-3 खिलाड़ी है जो भाई अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। तो मालदीव जब पहले बैटिंग करेंगे तो फिर मैं उनके तरफ से किसी भी खिलाड़ी को कैप्टनसी बनाने के लिए नहीं बोलूँगा, लेकिन जब पहले बॉलिंग तो फिर आप 2-3 खिलाड़ी में आपको ऑप्शन दूंगा उनको बना सकते हैं। मालेशिया की तरफ से कौन ऐसे खिलाड़ी है जो कैप्टन के सेफ पिक रहेंगे और कौन ऐसा खिलाड़ी है जो डिफेंसिव पिक रहेंगे, वो सब कुछ आपको वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। बस वीडियो को आप लोग बिना रिसीव के एंड तक देखते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सेम टाइम पे आपको एक और मैच देख मिलेंगे हांगकांग वर्सेस म्यांमार की। तो ये मैच, इस मैच का मैं वीडियो शायद नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा इस मैच का जो फाइनल टीम वो आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर देने की, ठीक है। तो टेलीग्राम के साथ साथ आप लोग हमारा व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई देखो टेलीग्राम चैनल को जो CEO है ना वो अभी अरेस्टेड है, तो भाई अगर टेलीग्राम चैनल बैन हो जाएंगे तो आप फिर हमारे टीम से नहीं खेल पाओगे। तो भाई बैकअप के लिए आप हमारा टेलीग्राम के साथ साथ व्हाट्सएप चैनल को भी जरूर ज्वाइन करके रख लेना, ठीक है। चलिए दोनों टीम के भाई स्कोर कार्ड देख लेते हैं। जब दोनों टीम आमने सामने होते थे कौन ऐसा खिलाड़ी थे जो परफॉर्मेंस किए थे, कौन ऐसे खिलाड़ी थे जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे, वो हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। आमने सामने हुए थे तो आप देख सकते हैं मालदीव्स ने काफ़ी ज़्यादा रन बना दिए थे भाई, 20 ओवर में 230 रन बनाए थे, सिर्फ 4 विकेट गिरे थे। वही वो मालदीव्स की बात की जाती है, वो यहाँ पर 136 रन बना पाए थे 20 ओवर में। यहाँ पर देख सकते हैं बैटिंग से परफॉर्मेंस मालदीव्स की तरफ से AS Sahid ने भाई 34 बनाए थे, लेकिन भाई देखोगे तो स्ट्राइक रेट कुछ खास था नहीं। फिर देख सकते हैं MRizwan ने भी 1 ही रन बना पाए थे। यहाँ पर देखो उमर यादव इस टीम का वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर है, ये आपको बैटिंग से ऑलराउंड देंगे और भाई 4 ओवर की कम्प्लीट बॉलिंग करेंगे। तो जब पहले बॉलिंग करेंगे मालदीव्स, तो आप इन खिलाड़ी को कैप भी से अपनी टीम में जरूर बना के जा सकते हैं, ठीक है। बैटिंग प्लस बॉलिंग ये दोनों अच्छे करते हैं, और यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कितना कमाल का बैटिंग किए थे, 172 का भाई स्ट्राइक रेट थे। फिर देख सकते हैं FRat ये बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, ये आपको मोस्ट प्रोबेबली ओपनिंग पर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये कभी कभार ना ओपनिंग पर भी आ जाते हैं। ये भी आपको भाई बॉलिंग के साथ बैटिंग से अच्छे खासा परफॉर्मेंस देंगे, तो एक टीम में इन दोनों को जरूर कैप भी से ट्राई करके जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं HRashid यहाँ पर 6 रन बना पाए थे, MAzum यहाँ पर 11 बनाए थे 15 गेंदों में, HaSan 17 बनाए थे, और यहाँ पर MRoof ने 1 ही रन बना पाए थे। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देख सकते हैं यहाँ पे भाई मलेशिया की तरफ से SIdrus ने 2 ओवर विकेटलेस, भी उन्नी एक अच्छे बॉलर है, अगर खेलेंगे तो डिफॉल्ट पिक में रखिएगा, 3 ओवर में 1 विकेट। भी सिंह भाई अगर खेलेंगे तो कैप्टन से सेफ पिक रहेंगे, क्योंकि भाई आपको 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग से ओपनिंग देंगे, और ये इस टीम का बेस्ट खिलाड़ी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना मलेशिया की टीम से, ठीक है। फिर देख सकते KHai 2 ओवर विकेटलेस, SAzizएक बहुत ही बढ़िया भाई खिलाड़ी है ऑलराउंडर, ठीक है। यहाँ पर देखो SAzizऔर भी सिंह अगर दोनों खेलेंगे इस मैच में तो दोनों को कैबिज आपस में ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों बेस्ट खिलाड़ी है भाई, ठीक है। SMunireddy 3 ओवर में 3 विकेट, फिर देख सकते MRoof 3 ओवर में विकेटलेस, लेकिन SMunireddy रिसेंटली भाई ज़्यादा बॉलिंग कर नहीं रहे, तो ये एज एन बैटर ही पहले करेंगे मोस्ट बॉलिंग, लेकिन छोटे टीम के सामने ना बॉलिंग भी करके चले जाते तो फिर आपके लिए ठीक ठाक पिक बन जाएंगे, आप इनको लेके जाइएगा। कैप भी सी बनाने की जरूरत है नहीं, ठीक है, लेकिन आपको नॉर्मल पिक लेके जा सकते इस मैच में। मलेशिया की तरफ से बैटिंग से जब परफॉर्मेंस देखोगे तो भाई देखो जीशान जुल्फ के 17 बनाए थे, भी सिंह यहाँ पर 44 गेंदों में भाई 72 रन बना दिए थे, ये फॉर्म में जब 57, फिर देखो SAzizने 15 गेंदों में 24 बनाए थे। यहाँ पर देख सकते हैं SAzizना 2 डाउन में बैटिंग किए थे, लेकिन रिसेंटली भाई देखो मलेशिया और हांगकॉन्ग और या फिर एक और जो टीम खेले थे वहाँ पर भाई इस खिलाड़ी ने ओपनिंग पर बैटिंग कर रहे थे, तो मैक्सिमम चांस की ओपनिंग पर भी आ सकते। तो भाई जो फाइनल लाइनअप निकल के आएंगे ना वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहेंगे, क्योंकि उसी हिसाब से हम लोग अपना टीम बनाएंगे, ठीक है। फिर देख सकते हैं MSaadat 25 बनाए थे, SMunireddy 21 बनाए थे, SMunireddy भी ओपनिंग पर आ सकते हैं या फिर ऑनराउंड पर भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर भी सिंह खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको ओपनिंग पर ही वो देखने को मिल जाएंगे। बॉलिंग से जब परफॉर्मेंस देखोगे मालदीव्स की तरफ से HaSan 4 ओवर में 2 विकेट, उमर यादव 2 ओवर में 46 रन देखे विकेटलेस, MRoof 4 ओवर में 1 विकेट, HaSan 4 ओवर में 1 विकेट, फिर देख सकते हैं Rizwan यहाँ पे 1 ओवर 15 रन विकेटलेस, FRat 3 ओवर में 41 रन विकेटलेस, SAhid 1 ओवर में 12 रन विकेटलेस,
ए हासन एक ओवर में 9 रन लेके विकेट लेस। ठीक है, कीपिंग सेक्शन में यहाँ पर जो आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, एक तो देखो भाई यहाँ पे मोहम्मद रिजवान, ये भी एक अच्छी खिलाड़ी है। ठीक है, रिजवान आप उनको लेके जा सकते हैं। एन साकिब के मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल, फिर देख सकते हैं एम आजम, इन दोनों में से जो भी भाई टॉप ऑर्डर में रहेंगे आप उनको अपने में पिक कर लीजिएगा। एन साकिब मालेशिया की तरफ से तो खेलेंगे, लेकिन भाई बैटिंग ऑर्डर इनका मोस्ट वाले काफ़ी नीचे ही रहेंगे। अगर टॉप ऑर्डर में फिर आप उनको पिक कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर दोस्तों मोहम्मद रिजवान को पिक किया हूँ। ठीक है, बैटिंग सेक्शन में जैसे ही आओगे ना तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेंगे। जैसे देखो भी सिंह अगर खेलेंगे तो भाई मेरे टीम में ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगे और मैं इनको ही कैप्टन बनाऊंगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। सिलेक्शन देखिए 38% है। फिर देख सकते हैं जीशान जुल्फी के अगर खेलेंगे तो ये भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, आप इनको भी बैक कर सकते हैं। ये फेज भी एक अच्छे और टैलेंटेड खिलाड़ी भाई, आप इनको भी चाहो तो बैक कर सकते हैं। आई आली को भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनको ज़्यादा रिकमेंड करूँगा नहीं। यस मोनोरोडी और मैंने यहाँ पर दोस्तों भी सिंह को फिलहाल अपनी टीम में जगह दिया हूँ। ठीक है, इब्राहिम को आप चाहो तो बैक कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी नीचे बैटिंग करेंगे अगर खेलेंगे भी तो मैं ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। ऑलराउंडर सेक्शन में जैसे ही आओगे तो यहाँ पर आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, एक तो रहेंगे ए साजिद, फिर देख सकते हैं यहाँ पे ए फारत, यहाँ पर रहेंगे भाई उमर। ठीक है, और जी यहाँ पर रहेंगे ए आकिल वाहिद, ये बहुत ही अच्छा खाई ऑलराउंडर है। रिसेंटली भाई इन्होंने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस करके भी आ रहे थे, मैं इनको लेके जाऊँगा। यहाँ पर देखो मोहम्मद आमिर आजिम, ये भी आपके लिए डिफॉल्ट पिक होना चाहिए। अगर भाई यहाँ पर एम शहादत खेलेंगे ना तो आप इनको भी पिक कर लेना। ये सब राफिक को तभी पिक कर सकते हैं जब पहले बॉलिंग आता रहा, जब इनको सीधा सीधा ड्रॉप कर दीजिएगा। कहीं से यहाँ पर देखो कि हायत आपके लिए डिफॉल्ट पिक रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो यही इब्राहिम आई रिजवान, इनमें से जो भी खेलेंगे ना और पहले मालदीव बॉलिंग तो आप इनको लेके जा सकते हैं, जब पहले बैटिंग तो फिर किसी को ही पिक करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर देखो आर हैदर, फिर देखो भी उन्नी, ये सबके सब इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी ना खेले और नीचे यहाँ पर देखो एम जारवानी अगर ए खेलेंगे तो इनको भी पिक कर लेना। फिलहाल मैंने यहाँ पर आर हैदर और भी उन्नी को अपनी टीम में जगह दिया हूँ। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर बात की जाए तो भाई देखो फाइनल जो लाइनअप निकल कर आएंगे वहाँ पे अगर एस आजीज और भी सिंह ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे तो मैं इन्हीं दोनों को कैप्टन से बना दूंगा। अगर इनमें से जो भी नीचे बैटिंग करेंगे और इनमें से जो भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए आएंगे उनको मैं कैप्टन बनाऊंगा, अगर नीचे आएंगे तो फिर मैं उनको कैप्टन से नहीं बनाऊंगा। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मालदीव्स की तरफ से एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा रहेंगे ए उमर, इनको बिल्कुल बना सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखो फारत, ये भी बहुत ही कमाल का ऑलराउंडर है, आप इनको भी ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने कैप्टन से अपनी टीम आजीज को दिया हूँ, वाइस कैप्टन से मैंने भी सिंह को दिया हूँ। आप सब इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, अगर दोनों ओपनिंग पर रहेंगे तो मैं अभी भी सिंह को कैप्टन और अभी एस आजीज को वाइस कैप्टन बनाऊंगा। चलिए फिलहाल मैं यही करके जाता हूँ। ठीक है, मालोसी जब इन्हें बॉलिंग करेंगे ना तो इन दोनों को कैप्टन से सेफ रख के वाइस कैप्टन से यहाँ पर मालोसी की तरफ से जितने सारे ऑलराउंडर और बॉलर्स को पिक किया उनको भी आपस में ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सबके साथ इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। अगर इनमें से कोई भी नहीं खेलेंगे तो आप उनको हटा के किसी और खिलाड़ को पिक कर लेना जो मैंने आपको ऑप्शन बता दिया हूँ। ठीक है, अगर आपको स्मॉल लीग खेल के लाखों में विनिंग करना है तो भाई आप बूम एलेवन एप्लीकेशन को जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में ना तो आपको TDS लगेंगे ना GST लगेंगे, यानी 100% भाई GST और TDS फ्री एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको ना 2 मिनट के अंदर इंस्टॉल विदड्रॉल मिल जाएंगे भाई। ठीक है, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना कि इंस्टॉल विदड्रॉल मिलना चाहिए, और यहाँ पर आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। और भाई यहाँ पर एक भी रुपया ना नहीं कटेगा। मान लो आपने 5,000 डिपॉजिट किया, आपने 5 लाख विनिंग किया, उसके बावजूद भी भाई आप 5 लाख रुपया ही विदड्रॉल कर पाओगे, एक रुपया भी TDS और GST के नाम पे नहीं कटेगा। तो पूरी मार्केट में भाई बूम इलेवन से बेहतरीन एप्लीकेशन आपको नहीं मिलेंगे। एक बार डाउनलोड करके खेलना शुरू कर दो, फिर आपको पता चल जाएंगे कि असली मजा तो सिर्फ और सिर्फ बूम इलेवन पे ही है। यहाँ पर भाई कस्टमर्स आपको 24 आवर्स आपको मिलेंगे, और जो भाई कॉन्टेस्ट का जो कमीशन फीस है ना वो भी काफ़ी लेस है पूरी मार्केट में। तो भाई जल्दी से करो डाउनलोड और आज से यहाँ पे खेल के लाखों में विनिंग करना स्टार्ट कर दो। इस एप्लीकेशन के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसे डाउनलोड कर लेना और आज से ही भाई दबा के डिपॉजिट करो और खेल के लाखों में विनिंग करो। ठीक है, क्योंकि भाई आप टू 7% या फिर रियल कैश ऑफर भी दिए जा रहे हैं, तो भाई फायदा ही फायदा है। इस ऑफर को जाने मत देना, क्योंकि 31 अगस्त से पहले आपको इस ऑफर को यूज़ करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर वो देख सकते हैं मैंने विकेट टीम सेक्शन में मोहम्मद रिजवान को पिक किया हूँ, बैटिंग सेक्शन में देखो एस मोनी रेड्डी, फिर देखो भी सिंह को जगह दिया हूँ। एस मोनी रेड्डी अगर नीचे बैटिंग ऑर्डर आएंगे तो फिर मैं उनको ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, ऑलराउंडर सेक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे उमर को पिक किया हूँ, एम आजिम को पिक किया हूँ, ए साजिद जो कि बहुत अच्छे पिक रहेंगे कैप्टनसी के लिए, फिर देख सकते हैं यहाँ पे ए फारत को पिक किया हूँ, आदिल को पिक किया हूँ क्योंकि बहुत अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, ऑलराउंडर बॉलिंग सेक्शन में भी उन्नी, फिर देखो के हायत और ए पे आर हैदर को पिक किया हूँ। तो दोस्तों फिलहाल आप इस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाकी जो भी चेंजेस होंगे जो भी बदलाव होगा वो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दिए जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना और सब चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल भी बैन हो सकते हैं। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन कर लेना। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप किसी चैनल के थ्रू बहुत ज़्यादा विनिंग देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।